हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स को जो आप लोगों का चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर रिटन बाय जेम्स एलन चल रहा है, वो यहाँ तक आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिए। स्ट्राइव ओ रीडर, तो राइटर कहता है स्ट्राइव यानी संघर्ष करो ओ रीडर हे पाठकों टू एक्वायर अबव एवरीथिंग द प्राइसलेस पोजेशन ऑफ दिस डॉन्टलेस फेथ फॉर इट इज़ द टैलिस्मैन ऑफ हैप्पीनेस ऑफ सक्सेस ऑफ पीस ऑफ पावर ऑफ ऑल दैट मेक्स लाइफ ग्रेटर एंड सुपीरियर टू सफरिंग। कह रहे हैं संघर्ष करिए टू एक्वायर प्राप्त करने के लिए अबव एवरीथिंग हर चीज़ से ऊपर प्राइसलेस पोजेशन यानी अमूल्य संपत्ति ऑफ काकी के दिस या डॉन्टलेस निडर फेथ विश्वास फॉर क्योंकि इट या इज ए टैलिस्मैन ताबीज। अब पहले समझिए कि कह रहे हैं संघर्ष करिए उस अमूल्य संपत्ति मतलब निडरता रूप निडर विश्वास रूपी अमूल्य संपत्ति जो सब चीज़ों से ऊपर है उसको प्राप्त करने के लिए संघर्ष करिए क्योंकि ये ताबीज़ है। किस चीज़ का? आनंद का, सफलता का, शांति का, शक्ति का और उन सभी चीज़ों का जो जीवन को महान और कष्टों से श्रेष्ठ बनाते हैं। मतलब उन सभी चीज़ों का ये ताबीज़ है जो जीवन को महान बनाते हैं तथा जीवन को कष्टों से ऊपर उठाते हैं या बचाते हैं, उन सभी चीज़ों का तावीज़ है। इसलिए निडरता रूपी फेस रूपी जो फेथ यानी विश्वास रूपी जो अमूल्य संपत्ति है उसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। बिल्ड अपॉन सच अ फेथ एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ इटर्नल। बिल्ड निर्माण कीजिए अपॉन ऊपर सच ऐसा फेथ विश्वास, आप एक ऐसा विश्वास निर्माण कीजिए एंड और यू आप बिल्ड विश निर्माण करना अपॉन ऊपर रॉक चट्टान ऑफ काकी के इटर्नल शाश्वत। आप ऐसे विश्वास का निर्माण कीजिए और आप मतलब ऐसा चट्टान का निर्माण करेंगे जो शाश्वत होगा, शाश्वत चट्टान का निर्माण करें। शाश्वत का मतलब जो कभी नष्ट नहीं होगा। एंड विद द मटेरियल ऑफ द इटर्नल एंड और विद साथ में मटेरियल पदार्थ ऑफ काकी के इटर्नल शाश्वत और शाश्वतता रूपी पदार्थ से एंड स्ट्रक्चर एंड और स्ट्रक्चर आकृति दैट जो यू आप इरेक्ट खड़ा करते हो विल साइकिल या नेवर कभी नहीं भी होना डिजॉल्व यानी नष्ट होना गिरना। तो कह रहे हैं और आप ऐसे विश्वास का निर्माण करिए, विश्वास रूपी भवन का निर्माण करिए तथा उसमें शाश्वतता रूपी पदार्थ को मिलाइए, तब आप एक ऐसा आकृति निर्माण करेंगे जो कभी अब जो हमेशा खड़ा रहेगा, कभी नीचे नहीं गिरेगा। फॉर इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्युमुलेशंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेस फॉर क्योंकि इट या विल साइक्रिया ट्रांसेंड ऊपर होना ऑल सभी एक्युमुलेशंस यानी चीज़ें ऑफ काकी के मटेरियल लग्जरीज यानी भौतिक विलासताएँ एंड और रिचेस संपत्ति, क्योंकि ये जो चीज़ है मतलब जो विश्वास रूपी जो चीज़ है ये सभी भौतिक विलासताओं और संपत्तियों की जो संपत्ति होती है उनसे बढ़कर होती है, उन भौतिक विलासताओं और संपत्तियों से बढ़कर होती है जिनका द एंड ऑफ विच इज़ डस्ट, जिनका अंत जो है वो धूल है, मिट्टी है। मतलब ये जो भौतिक विलासताएँ और धन संपत्ति वगैरह है ये एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगी, इनसे बढ़कर आपको उस विश्वास का निर्माण करना है जो कभी भी नष्ट नहीं होगा। Whether you are hurled into the depth of sorrow or lifted upon the heights of joy, ever retain your hold upon this faith. कह रहे हैं whether चाहे you आप are हो hurled फेंक दिए गए into में depth गहराई of काकी के sorrow दुख, चाहे आप दुखों की गहराई में फेंक दिए जाएं और या lifted उठा दिए जाएं upon ऊपर heights ऊंचाई of काकी के joy आनंद, चाहे आप आनंद के ऊंचाई तक उठा दिए जाएं या मतलब चाहे आपके ऊपर दुख है चाहे आपको आनंद हो, एवर हमेशा रिटेन योर होल्ड अपॉन दिस फेथ। रिटेन यानी सुरक्षित रखना, योर आपका होल्ड पकड़े रहना अपॉन ऊपर दिस या फेथ विश्वास। तो चाहे आपको दुख हो, बहुत ज़्यादा दुख हो चाहे आनंद हो, लेकिन आपको ऐसे विश्वास को हमेशा पकड़े रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। Ever return to it as your rock of refuge and keep your feet firmly planted upon its immortal and immovable base. Ever हमेशा return लौटना idea as की तरह योर आपका रॉक चट्टान ऑफ काकी के रिफ्यूज यानी कि शरण स्थल कह रहे हैं, और आप हमेशा अपनी इस चट्टान रूपी शरण स्थल की ओर वापस लौटिए। यह चट्टान रूपी शरण स्थल कौन है? हमारा विश्वास जो हर चीज़ से हमारी रक्षा करता है। एंड और कीप रखना योर आपका फीट पैर फर्मली दृढ़ता से प्लांटेड अपॉन यानी मजबूती से रखिए इट्स इसके इमॉर्टल यानी नष्ट ना होने वाले एंड और इमोवेबल अडिग बेस आधार। और कह रहे हैं कि आप इस
नष्ट ना होने वाले तथा अडिग आधार पर अपने पैरों को मजबूती से जमाए रखिए, यानी अपने मन में हमेशा विश्वास बनाए रखिए। सेंटर्ड इन सच अ फेथ यू विल बिकम पोजेस्ड ऑफ सच अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज विल शैटर लाइक सो मैनी टॉयज ऑफ ग्लास। सेंटर्ड यानी केंद्रित रखिए इनमें सच, ऐसा फेथ विश्वास, ऐसे विश्वास में अपना मन केंद्रित रखिए। यू हैव विल साइक दिया बिकम होना पोसेस्ड अधिकारी ऑफ का के सच, ऐसा स्पिरिचुअल आत्मिक स्ट्रेंथ शक्ति है जो विल साइक दिया शैटर नष्ट कर देना, बिखेर देना, लाइक जैसा सो मैनी बहुत सारे टॉयज खिलौने ऑफ का के ग्लास शीशे के। कह रहे हैं कि आप ऐसे विश्वास पर अपना मन केंद्रित रखिए, तब आपके पास ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के आप अधिकारी हो जाओगे, आपके पास ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी जो मतलब सभी प्रकार की जो आपके पास जो कठिनाइयाँ आएंगी उनको नष्ट कर देगी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कांच के बहुत सारे खिलौने नष्ट टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। ऑल द फोर्सेज ऑफ एविल दैट आर हर्ल्ड अगेंस्ट यू, ऑल सभी फोर्सेज बल ऑफ काके के एविल बुराई दैट जो आ रहे हैं हर्ल्ड फेंकी जाना अगेंस्ट सामने यू आप, ठीक कांच के बहुत सारे खिलौने जिस तरह चकनाचूर हो जाते हैं उसी तरह आपके सामने जितनी भी बुराइयां आएंगी वो सभी कांच के इन खिलौनों के समान आपके विश्वास रूपी आत्मिक शक्ति से नष्ट हो जाएंगी, चकनाचूर हो जाएंगी। एंड यू विल अचीव अ सक्सेस सच एज द मेयर स्ट्राइवर आफ्टर वर्ल्डली गेन कैन एवर नो और इवन ड्रीम ऑफ। और कह रहे हैं एंड और यू ऑफ विल सैक्री अचीव प्राप्त करना सक्सेस सफलता सच ऐसा एज जैसे मेयर स्ट्राइवर बहुत ही विरले संघर्ष करने वाले आफ्टर बाद में वर्ल्डली सांसारिक गेन आनंद प्राप्त सांसारिक चीज़ें कह सकना नेवर कभी नहीं नो जानना और या इवन यहाँ तक कि ड्रीम ऑफ सपने में सोचना। तो कह रहे हैं अगर आपके अंदर इस प्रकार विश्वास की शक्ति आ जाएगी तो आपको ऐसी सफलता प्राप्त हो जाएगी जो कि बहुत ही विरले संघर्ष करने वाले व्यक्तियों को प्राप्त होती हैं। और ध्यान रखना कि जो ऐसे लोग जो लोग सांसारिक चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या सांसारिक चीज़ों को ही सच मानते हैं तो उन लोगों को वे लोग इस सफलता के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे, यहाँ तक कि सपने में भी नहीं सोच पाएंगे जो सफलता आपको प्राप्त होगी। इफ़ यू विल बिकम पोसेस्ड ऑफ दिस फेथ यू विल नॉट नीड टू ट्रबल अबाउट योर फ्यूचर सक्सेस और फेल्योर एंड सक्सेस विल कम। इफ़ यदि यू आप विल सैक्रिया बिकम होना पोसेस्ड अधिकारी ऑफ काके के देसी ऑफ फेथ विश्वास यू आप विल सैक्रिया नॉट नहीं नीड आवश्यकता ट्रबल परेशान होना अबाउट बारे में योर आपका फ्यूचर भविष्य सक्सेस सफलता और या फेल्योर असफलता एंड और सक्सेस सफलता विल सैक्रिया कमाना। यदि आपके पास ऐसी विश्वास रूपी शक्ति के आप अधिकारी होगे तो आपको अपने भविष्य में आने वाली सफलता या असफलता के प्रति चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको ये विश्वास होगा कि यदि आप सही कार्य करेंगे तो निश्चित ही सफलता आपके पास आएगी, तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। यू विल नॉट नीड टू बिकम एंग्जियस अबाउट रिजल्ट यू आप विल सैक दिया नॉट नहीं नीड आवश्यकता बिकम होना एंग्जियस चिंतित अबाउट बारे में रिजल्ट परिणाम और आपको परिणाम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यानी फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बट विल वर्क जॉयफुली एंड पीसफुली नोइंग दैट राइट थॉट्स एंड राइट एफर्ट्स विल इनएविटेबली ब्रिंग अबाउट राइट रिजल्ट्स। बट किंतु विल साइक दिया वर्क कार्य करना जॉयफुली आनंद किंतु आप अपने कार्य को आनंदपूर्वक करते रहिए एंड और पीसफुली शांतिपूर्वक करते रहिए नोइंग जानते हुए दैट की राइट थॉट्स अच्छे विचार एंड और राइट एफर्ट्स अच्छे प्रयास विल साइक्रिया इनएविटेबली अनिवार्य रूप से ब्रिंग लाना अबाउट बारे में राइट रिजल्ट्स अच्छा परिणाम। तो आप अपने कार्य को आनंदपूर्वक और शांतिपूर्वक ये जानते हुए करते रहिए कि आपके अच्छे विचार और सही जो प्रयास हैं आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में वो अनिवार्य रूप से अच्छे परिणाम आपको देंगे, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। यदि आप अपने कार्य को सच्चे मन और लगन विश्वास से करते हैं तो आपको उसका परिणाम अच्छा मिलेगा, इसलिए आपको परिणाम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आज आपको यहाँ तक पढ़ा दिया गया है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।